नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24/7 में। यूपी पीसीएस से रिलेटेड एक बेहद जरूरी इन्फॉर्मेशन आयोग ने अपने वेबसाइट पर शेयर करी है और उसमें लिखा है कि भाई परीक्षा में शुचितापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए जो ये कई सारे विषयों के संबंधित 100 विशेषज्ञों को उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग के गोपनीय कार्यों से विरत कर दिया गया है, मतलब कि हटा दिया गया है। कुल मिला के लेमन की भाषा में मतलब भाई आयोग कह रहा है कि अभी तक जो आप लोग की समस्याएं थी, क्या समस्या थी कि हर बार प्रीलिम्स का जब पीसीएस का पेपर होता है तो क्वेश्चन के जो आंसर होती है आंसर की वो गलत बना देते हैं लोग। कई बार क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, गलत पूछ लेते हैं, उसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। तो ये जो हर बार एनोमलिटी होती है, ये इसके लिए आयोग ने कह रहा है कि भाई 100 विशेषज्ञों को हटा दिया गया है। ये बात है, अब आप समझिए पूरी कहानी क्या है। भाई 2022 में भी यही समस्या हुई थी, ठीक है, तब भी स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा जो है रोष था, बहुत गुस्सा थे स्टूडेंट, नाराजगी होगी, पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है सर जी मैडम जी। तो ये है बात। तो तब इन्होंने 80 विशेषज्ञों को निकाला था। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आयोग जो है टोटल, अगर आप देखें भाई आयोग कितने पेपर कराता है, जो मान लीजिए आप एग्जाम लेता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, भाई एक पीसीएस का प्री मान लो, ठीक है, यही रेगुलर होता है। आर ओ आर ओ तो 2-3 साल में एक बार आती है, तो हर साल मान नहीं सकते। बीओ वाली एक कई बार एग्जाम हुआ है अभी तक, एपीएस वाली वो 10 साल से हुआ ही नहीं है, एलटी ग्रेड में अलग केस चल रहा है। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखें तो 20-30-40 से ज्यादा एग्जाम नहीं निकलेंगे जहां पे आयोग पेपर कराता हो। 20-30 आप कैलेंडर ही देख लो भाई, कैलेंडर में कितने एग्जाम होते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसे कौन कौन से एग्जाम है जहां पेपर की जरूरत पड़ सकती है। एलटी ग्रेड वाला हो गया मान लो, ठीक है, और बाकी ये 2-4 एग्जाम और हैं, नर्सिंग वाला हो गया, कुछ और एग्जाम्स होते हैं मोटा मोटा, मतलब मैं 30-40 तो बहुत ज्यादा कह दिया हूँ। तो उसके लिए कितने विषय, मतलब एक ही पेपर होता है साल में एक बार, तो मान लो जैसे पीसीएस में भाई 150 है, आर ओ आर ओ में 200 चलो मान लो, बीओ में 120 मान लो, और सब एग्जाम में भी किसी 50-60 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 150 से ज्यादा नहीं आते हैं किसी में भी मैक्सिमम एग्जाम हो गए। ओवरऑल अगर आप देखोगे 30-40 एग्जाम का, तो साल भर में भाई अगर 100 क्वेश्चन भी मान लिए ऑन एन एवरेज, तो 3000 क्वेश्चन के आसपास बनाने पड़ते हैं। भाई एक विशेषज्ञ अगर 365 दिन काम करे तो क्या वो 3000 क्वेश्चन नहीं बना सकता है? मतलब 100 विशेषज्ञ निकाल दिए तो कितने विशेषज्ञ हैं सर आपके पास? मतलब क्या विशेषज्ञों के कोई जो है 10-15 हजार विशेषज्ञ हैं क्या? भाई पीसीएस के पेपर में प्रीमेट 150 क्वेश्चन आए, उसके लिए 100 विशेषज्ञ बताओ निकाल दिए गए सर, पीसीएस की वजह से एक्शन हुआ ये? तो क्या मतलब हर एक विशेषज्ञ सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाता है, एक या दो क्वेश्चन बनाता है, और मतलब वो उसकी भी आंसर की नहीं सही से दे पा रहा है। पिछली बार 80 विशेषज्ञ निकले, इस बार 100 निकले, फिर अगली बार वही कहानी होगी, फिर कह देंगे नहीं चलो इस बार 200 विशेषज्ञ निकाल देते हैं, नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये सब चल रहा है। कई लोग जो है शायद आज गए हैं या फिर जाने वाले का प्लान कर रहे हैं, आयोग से बात कर सकते हैं आप लोग। कहानी यही है पूरी, इसी तरह से है। मेरा यही मानना है कि आप जो है आयोग की जो क्वेश्चन गलत आंसर की देने वाली है, इस पे सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि आप जो है पहले मॉडिफाइड की आंसर की जारी करें और फिर उस पर रिजल्ट निकालें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हर बार 5-6 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन जो भी ये गलत हो जाते हैं या फिर उनके आंसर गलत हो जाते हैं या एक से ज्यादा गलत ऑप्शन दे देते हैं वो, तो हर बार का ये दिक्कत हो जाती है, स्टूडेंट बहुत निराश हो जाते हैं। कई लोग ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट, मैंने आपको बताया था कि 2022 में सिलेक्टेड हैं, 2021 में सिलेक्टेड है, 2023 का प्रीन्यू हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कई लोग अभी भी मान रहे हैं, उनका ही मानना है कि भाई उनके 130 जो है नंबर आ रहे थे, 140 नंबर आ रहे थे, फिर भी नहीं हुआ। तो ये जितनी भी एनोमिलिटीज हैं इस पे आयोग को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। इस तरह का जो नोटिफिकेशन निकलता है, अगर ये चीज बताई गई कि 100 विशेषज्ञ हैं, ट्रांसपेरेंसी को और मेंटेन रखने के लिए क्या उन विशेषज्ञों के नाम नहीं बताए जाने चाहिए थे? मतलब आप ऐसे हर बार अगर आप वो कह देंगे कि हाँ हम गलती सुधार रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप लोग टेंशन मत लो, तो वो आदमी मानेगा कैसे, स्टूडेंट सामने वाला? ये चीज़ है भाई। मेरे हिसाब से अब आप लोग यही है कि भाई आयोग को एक बार ईमेल जरूर करें कि सर प्लीज़ इस पर सही बात एक्शन लिया जाए, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति से मतलब नहीं है, प्लीज़ सही वाला एक्शन लीजिए, जैसे जो है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है बाकी सारी जगह पे। तो जो यहाँ पे छात्रों के भविष्य से अगर ऐसे विशेषज्ञ खेल रहे हैं, उनको बस ये हटाना ही बस यही एक पनिशमेंट है बस, और वो भी कोई अभी क्लियर नहीं है किसको हटाया है क्यों, मतलब पूरा एटलीस्ट नाम आम का डिटेल होना चाहिए कि भाई कौन क्या करता है। और दूसरी चीज़ तो ये 100 विशेषज्ञ एक ही पीसीएस के एग्ज़ाम के हैं कि किसके किसके हैं, बात पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई है। मुझे तो यही है जो भी बात है, मेरी अपील है आयोग से कि प्लीज़ स्टूडेंट्स के मुद्दे सॉल्व करिए,
सर प्लीज रिक्वेस्ट है, मतलब सीरियसली सॉल्व करिए, सिर्फ दिखाने के लिए ना करिए, प्लीज सर।